गाइस अभी आप देखोगे जो कि आपको 125 सीसी में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि आपको ऑन रोड 1 लाख के अंदर मिलने वाली है। बट आप जो हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो जो कि आपके बजाज की पल्सर 125 नियॉन डिस्क वाला मॉडल है, जो कि इसका आप टोटली न्यू कलर देख सकते हो, जो कि अभी के टाइम पे ऑन रोड आपको 1 लाख के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अगर आपको गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी चाहिए, साथ साथ आपको मस्कुलरनेस चाहिए, तो इससे अच्छा आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो इस गाड़ी में आपको क्या कुछ ऑफर देखने को मिल जाता है, क्या ऑन रोड प्राइस पड़ता है, माइलेज कितना का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इस गाड़ी में आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है, और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा जिससे इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो, उसके बारे में हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल के साथ ही शुरुआत किया जाए तो इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, जो पल्सर 150 आता है उसी के जैसा आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। की को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जलता है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पायलट लैंप जल जाएगा जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए, और यहाँ का जो लाइट है ये भी आपको फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। बजाज का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा रबर फिनिश के साथ दिया गया, और जो इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको टोटली फ्लेक्सिबल मिलता है, जिससे गाड़ी जब भी आपका गिरेगा उसका टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। नीचे देखो तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, मडगार्ड देख सकते हो टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ दिया गया है, और यहाँ पे देखो जहाँ के आपको ग्रीन कलर के आपको स्टिकर भी मिल जाते हैं। जस्ट नीचे की ओर आओगे तो सस्पेंशन पे आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट डिस्क आपको 240 mm के मिलेंगे, और जो टायर है जो कि आपको 80/100 सेक्शन का टायर दिया गया है, 17 inches के साथ आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के आपको स्ट्रिप्स भी देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो साइड प्रोफाइल भी देख सकते हो, पल्सर 125 जो कार्बन एडिशन आता है, पल्सर 150 जो आता है उसी के जैसे आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में अंतर देखने को मिलेंगे। ये जो टैंक है जो कि आपको 13.5 लीटर के टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, टोटली आपको मेटल के साथ दिया गया है। यहाँ पे देखो जहाँ कि आपको क्रोम के साथ पल्सर को मेंशन किया गया है, साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के यूज़ भी मिलेंगे, और इस जगह पे भी आपको कुछ स्टिकर देखने को मिलता है। बट ये जो टैंक आउल है जो कि आपको टोटली फाइबर के साथ ही देखने को मिल जाएगा, और इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि अभी भी इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये पार्ट देखो जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है। सीट आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको सिंगल पीस सीट दिया गया है, फैमिली को भी बैठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, 2-3 आदमी यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। नीचे की ओर आओगे तो ये आपका राइडर का फुटेज दिया गया जो कि आपको टोटली फिक्स देखने को मिलेगा, ये आपका पिलियन का फुटेज रबर फिनिश के साथ आपको टोटली एडजस्टेबल में मिलेंगे। एग्जॉस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे बड़ा सा दिया गया, ऊपर में आपको यहाँ पे टोटली ब्लैक कलर के साथ आपको मेटल के प्लेट देखने को मिलेंगे। रियर का सस्पेंशन आपको नाइट्रोक्स फिटेड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के सस्पेंशन दिए गए जो कि आपको इंड्यूरेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर पाओगे। यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबल में आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, और जो रियर टायर है जो कि आपको 190 सेक्शन के देखने को मिलेंगे। रियर में जो आपको ब्रेक मिलता है जो कि आपको ड्रम ब्रेक दिया गया 130 सेक्शन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटली आप रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे LED में टेल लाइट देखने को मिलेगा, आपको अच्छे डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिए गए, टेल टायरी देखोगे जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड देखोगे जहाँ की आपको सारी कार और लेडीज फुटेज दोनों ही मिल जाते हैं, आपको बाहर से कुछ भी लगाने का आवश्यकता नहीं है। जो चेन मिलता है जो कि आपको टोटली कवर रखा गया है, और टायर में क्या हवा रखना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। मिडिल स्टैंड इस जगह पे मिल जाएंगे, साइड स्टैंड आपको यहाँ पे दिए गए, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर भी मिल जाएगा। टोटल 5 गियर का इस गाड़ी में आपको ट्रांसमिशन भी मिलता है, और मीटर कंसोल आप यहाँ पे देखोगे, उससे पहले आप इसका की देख लो, बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक सा की देखने को मिलेगा। क्लिप ऑन आपको यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है, जिससे गाड़ी का जो राइड क्वालिटी है वो आपको अच्छे मिलेंगे। इसे मैं ऑन करूँ, ये आप देख लो आपको सेमी डिजिटल में मीटर कंसोल मिलता है। सबसे पहले इधर आप देखो जो कि आपको एनालॉग पार्ट दिया गया है, और इधर आपको डिजिटल पार्ट दिया गया है। बीचों बीच देखोगे जहाँ कि आपको स्पीडोमीटर शो करने वाला है, ऊपर में देखो साइड स्टैंड लगे हुए हैं, उसके लिए आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। लो बैटरी जब भी होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, और इस जगह पे आपको फ्यूल गेज दिखाने वाला है। और इसमें जो आपको एडवांस फीचर्स मिलता है जो कि आप यहाँ पे देखोगे, आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, मतलब कि गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है, वो भी आपको बताने वाली, जो कि आपको ट्रिप वन में शो करेगा। डिस्टेंस टू इम्पट्टी भी दिखाने वाली है, मतलब कि आपके टैंक में कितना पेट्रोल बचा हुआ है और आप कितने दूरी तक जा सकोगे, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाने वाला है। नीचे में आपको कुछ इंडिकेटर मिल जाएंगे, और इसे टॉगल करने के लिए एक आपको यहाँ पे बटन मिलता है, इसे जब आप दबाओगे तो ये आप देख लो जो कि आपको ट्रिप वन और आप ट्रिप टू में दोनों में ही आपको माइलेज क्या दे रही है वो बताने वाली है। फिर से दबाओगे तो ये आप देख लो जहाँ कि आपको
इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी बताने वाला है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे एडवांस फीचर्स मिल जाएगा, अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। चारों ओर देखो तो आपको यहाँ पे फेक कार्बन के यूज़ भी मिलते हैं। स्विचेस की ओर देखा जाए तो ए बी स्विच आपको अच्छे मिलेंगे, प्रीमियम मिलेंगे। लो बीम आपको, हाई बीम इस जगह पे आपको पासिंग के बटन दिए गए, लेफ्ट एंड राइट हैंड का स्विच और ए आपका हॉर्न का स्विच, सिंगल हॉर्न ही मिलेगा। इधर देख लो इंजन ऑन ऑफ करने का बटन और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। सो गाइज, अभी जस्ट आपने इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। इंजन जो दिया गया जो कि आपको 124.5 सीसी के देखने को मिलेंगे, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वाल्व के साथ दिया गया है। एयर कूलिंग को ये गाड़ी आपको सपोर्ट करने वाली है। माइलेज अप्रॉक्स आप देखा जाए तो 50 से 55-60 किलोमीटर पर लीटर का भी आप माइलेज आराम से निकाल पाओगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। टॉप स्पीड लगभग आपको 100 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। और जो पावर देती है ये गाड़ी है, जो कि आपको 12 पीएस का पावर और आपको 11 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। और जो प्राइस पड़ता है इस गाड़ी का अभी का, जो कि आपको मात्र 99,900 रुपया ही पड़ने वाला है। वजन है जो कि आपको मात्र 140 केजी का रखा गया है, जिससे कोई भी आदमी गाड़ी को आराम से चला सकता है। और जो सीट हाइट है जो कि आपको मात्र 790 एमएम के रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो आराम से इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ऑफर के बारे में बात किया जाए तो अभी फिलहाल फेस्टिव सीजन चल रहा है, जिस वजह से इसमें तो आपको कोई भी कैश डिस्काउंट तो नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप इस गाड़ी को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो ऑफकोर्स आपको बैंक में कुछ ना कुछ ऑफर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। दूसरे ऑफर के बारे में बात किया जाए जो कि इसमें आपको जितने भी एसेसरीज हैं वो आपको शोरूम की तरफ से टोटली फ्री देखने को मिल जाएगा। और जो तीसरा ऑफर चल रहा है इस गाड़ी में, जब भी गाड़ी का आप डिलीवरी लेते हैं, चाहे जब भी आप इसका बुकिंग कराते हैं, उस वक्त आपको एक स्क्रैच कार्ड कूपन भी देखने को मिल जाएगा। और जो लोवेस्ट डाउन पेमेंट है इस गाड़ी का, जो कि आपको मात्र 35,000 रुपया ही पड़ने वाला है। अगर आपके पास 35,000 रुपया है, उससे कम भी है, तो ऑफकोर्स आप इस गाड़ी को लोन पे करा के अपने घर इजिली ले जा सकते हो। तो मैंने कहा इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रूप में, वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कन्फ्यूजन हो तो आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।